हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइस एडिटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो की आवाज़ में इको कैसे ऐड कर सकते हैं और इको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर पाएंगे। जहाँ पर आपको ज़्यादा इको चाहिए वहाँ पर आप ज़्यादा इको रख पाएंगे, जहाँ पर आपको कम इको चाहिए वहाँ पर आप कम इको रख पाएंगे। पर इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रोफेशनल तरीके से वॉइस एडिटिंग करने का तरीका बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली उस वीडियो को देख पाएंगे। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अपनी वीडियो की आवाज़ में इको ऐड करने के लिए आपके मोबाइल में नो वाटरमार्क काइन मास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल होना लाजमी है। ये आपको प्ले स्टोर से तो इजीली मिल जाएगी, पर उसमें वाटरमार्क होगा। बट जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करूँ उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने अपनी मर्जी की कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 9:16 को सिलेक्ट करूँगा बिकॉज ये शॉर्ट वीडियो फ्रेम है और फुल स्क्रीन फ्रेम है। तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते ही मेरी गैलरी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। आपने यहां से अपनी गैलरी में से कोई एक वीडियो को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद आपने इसे स्टार्ट में ले आना है। अब मैं वीडियो लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसे स्क्रॉल डाउन करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो की ऑडियो निकलकर नीचे आ जाएगी। अगर आप अपनी अलग से ऑडियो फाइल को यहां पर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहां पर गुड के निशान पर क्लिक करना है और एक बार मैं यहां पर आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि इस वक्त मौजूदा वक्त में मेरी वीडियो के ऊपर कोई भी इको साउंड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इसे यहां पर प्ले करके दिखा देता हूं। रात गहरी थी, डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मेरी इस वक्त वीडियो में कोई भी इको ऐड नहीं है। तो मैं आपको इको ऐड करके दिखाऊंगा। आपने ऑडियो लेयर को अब सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही आपकी सेकंड फाइल ऑडियो के नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपने डकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डकिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी एक ऑडियो फाइल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी डकिंग फाइल है आपने उसे सिलेक्ट करके रखना है और स्पीकर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम कर देना है, इतना आप इको में लाना चाहते हो बैकग्राउंड की आवाज को, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद आपने जो अब डकिंग फाइल है आपने इसे सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा पीछे की तरफ स्वाइप करना है और यहां पर अपने हिसाब से जितना आपको जहां जहां इको चाहिए वहां पर आपने रख देना है, ठीक है। इतना थोड़ा सा पीछे करने, ज़्यादा पीछे करेंगे तो इको खराब हो जाएगा। उसके बाद इतना सा आपने पीछे किया, अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मेरी आवाज़ में इको ऐड हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। रात गहरी थी, डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो की आवाज़ में अपनी मर्जी से इको की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जहां पर आपको ज़्यादा इको चाहिए वहां पर आप ज़्यादा रख सकते हैं, जहां पर आपको कम चाहिए वहां पर आप कम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद इको ऐड करने के बाद आपने यहां पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेल, ये था हमारा आज का वीडियो कि वीडियो की आवाज़ में इको कैसे ऐड करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको वीडियो की आवाज़ में इको ऐड करने का तरीका बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और मजीद वॉइस एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार अपने वैल्यूएबल कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और इसी के साथ साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम के सोशल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।